गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सरोज नगर का एक बहुत ही बेहतरीन सा व्लॉग, जो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइम पे सरोज नगर में किस तरीके की चीजें हैं। क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा, न्यूज में बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो इस वाले टॉपिक पे भी आज हम वीडियो में बात करेंगे कि सिचुएशन कैसी है, आपको मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और रही बात कलेक्शन की, कलेक्शन आपको बहुत पसंद आएगा, हर तरीके की चीजें दिखाई है। बहुत सारे लोगों को ड्रेसेस देखनी थी, कुछ लोगों को डेनिम का स्टफ देखना था, तो आज की वीडियो में हम वही सारी चीजें देखेंगे जिनका आप लोग वेट कर रहे थे। अगर आप लोगों को फुटवेयर चाहिए है तो सबको पता है कि सरोज नगर में बहुत ही ज्यादा सही वैरायटी में और सही प्राइस पे फुटवेयर मिल जाते हैं। ये जो कलेक्शन आप देख रहे हो ना, शॉप नंबर आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है। प्राइस अगर मैं आप बात करूं प्राइस की, तो 250 रुपीज इनका प्राइस रहेगा, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि पता नहीं यार चीजें कैसी होंगी, अच्छी होंगी या नहीं होंगी, तो आप सामने देखो, चीजें काफी अच्छी है। अगर आप आओगे ना, डिसअपॉइंट नहीं होगे। शॉप नंबर 107 पे ब्लेजर और बेल बॉटम्स का काफी अच्छा कलेक्शन था, मुझे तो बहुत पसंद आया। स्पेशली जो लोग वर्किंग है ना, ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए तो 200-350 रुपीज की रेंज में काफी अच्छा कलेक्शन था। शॉप नंबर 101 के बाहर आपको ना इयररिंग्स में बहुत वैरायटी नजर आएंगी, 100-200 रुपए की रेंज में। सेम कलेक्शन शॉप नंबर 108 पड़ती है एक्सपोर्ट लेन में, उसके सामने भी एक स्टॉल रहती है जिसपे आपको ऐसा ही सिमिलर कलेक्शन देखने को मिलेगा। 100 रुपीज से इनका प्राइस स्टार्ट हो जाता है और अप टू 250 तक का इनके पास कलेक्शन रहता है। मुझे तो यहाँ की सारी चीजें बहुत पसंद आती है। किन किन लोगों को सरोज नगर से शॉपिंग करना पसंद है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। शॉप नंबर 104 के अपोजिट जब आप सब्जी मंडी वाली लाइन में होगे, तो ये पेड़ देख लीजिए, इस पेड़ के बिल्कुल नीचे ही आपको विंटर का कलेक्शन मिल जाएगा। ये वाली शॉप मैंने आज इसलिए दिखाई है, काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या इस टाइम पे भी हम विंटर की शॉपिंग कर सकते हैं। तो कुछ कुछ लिमिटेड शॉप है, मैं ये नहीं कहूंगी हर शॉप पे आपको मिल जाएगा, हाँ, बट जब आप मार्केट में घुसोगे, एक्सपोर्ट लेन या फिर सब्जी मंडी वाली लाइन को एक्सप्लोर करोगे, 250 रुपीज में विंटर का कलेक्शन मिलेगा, जिसमें काफी अच्छी आपको इस टाइम पे स्वेटर देखने को मिल जाएंगी। फैब्रिक उनका मुझे बहुत अच्छा लगा, 200 रुपीज की रेंज में। सेम शॉप पे ही आपको डेनिम की शॉर्ट्स मिल जाएंगी, कर्ट्स मिल जाएंगी, और ड्रेसेस की अगर मैं बात करूँ 350-400 रुपीज की रेंज में थी। जब बात आ जाती है ना डेनिम की ड्रेसेस की, तो आप ये माइंड मेकअप कर लो कि 300-350 और 400 तक आपको अच्छी ड्रेस मिल जाएगी, चाहे फिर वो आपकी लॉन्ग कुर्ती हो डेनिम की या फिर डांगरी हो। टॉप की अगर मैं बात करूँ, तो जो सामने आप कलेक्शन देख रहे हो ना, इस तरीके का कलेक्शन आप मार्केट में कहीं पे भी चले जाना, आपको 150-100 रुपीज की रेंज में इजिली मिल जाएगा। स्वेटर्स आपको 200-250 रुपीज की रेंज में मिलेंगे, टॉप वही 150-200 रुपीज का। मतलब एक ये बार ऐसा मैं आपको बता रही हूँ प्राइस का, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा यहाँ से शॉपिंग करने में, आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज मिल रही है। सेम शॉप पे 80 रुपीज का भी कलेक्शन था, जिसमें आपको एक आधा पीस अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था ना, कि मुझे चीजें इसमें नहीं पसंद आई, ना उनका डिजाइन इतना ज्यादा बेटर था, या फिर ना उनकी क्वालिटी थी, ना फैब्रिक था, बट बीच बीच में कुछ कुछ सेंडो लगी थी जो नई थी, अच्छी थी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी, और 80 रुपीज में मिल रही थी, और क्या चाहिए। शॉप नंबर 106 पे आपने देखा होगा फुटवेयर्स का कलेक्शन अच्छा मिलता है, सब्जी मंडी वाली लाइन में ही है। और जो ये शॉप आप अभी देख रहे हो ना, ये है शॉप नंबर 130, ठीक है। 106 मैंने एक अल्टरनेट आपको स्क्रीन पे ऑप्शन दिखाया है, ये वाली जो शॉप है ये 130 है, ठीक है। 350 रुपीज की रेंज में कलेक्शन है, 400 रुपीज का भी इनके पास कलेक्शन है। ये जो सामने बैग है ना, ये 500 रुपीज के थे, बोर्ड आपने देख लिया, जिसमें आपको नॉर्मल टॉट बैग से सेमी टॉट बैग दोनों ही टाइप की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छी शॉप है, जब आप सब्जी मंडी वाली लाइन में बिल्कुल लास्ट में पहुंचने वाले हो जाओगे ना, तब ये वाली शॉप पड़ती है, और ये वाली शॉप पड़ती है राइट हैंड साइड को, जब वो जवाहर मल वाले की जो फ्रूट वाले की ड्राई फ्रूट वाले की शॉप आती है ना, उससे नेक्स्ट शॉप है। पोर्ट लेन में बहुत सारी शॉप्स है, साथ ही में ओम ऑप्टिकल वाली लाइन में भी काफी अच्छी शॉप्स है, जहाँ पे आपको 200 रुपीज का कलेक्शन मिल जाता है। अगर मैं ओम ऑप्टिकल वाली लाइन की बात करूँ, तो शॉप नंबर 193 एक ऐसी शॉप है जिसपे आपको ड्रेसेस, टॉप, टी शर्ट 200 रुपए में मिलेंगी, काफी अच्छी क्वालिटी में। इस बार मेरा जो पर्सनल रिव्यू रहा मार्केट का, मुझे टॉप इतने ज्यादा पसंद नहीं आए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बहुत अच्छा कलेक्शन था टॉप का, ड्रेसेस का भी बहुत अच्छा था, बट इस बार ना मुझे इन शॉप पे बहुत ज्यादा अच्छा वाव वाला कलेक्शन देखने को नहीं मिला। था चीजें अच्छी थी, बट वो वाली बात नहीं थी जो लास्ट टाइम
टाइम मैंने एक्सपीरियंस करी थी। 200 रुपए इनका प्राइस रहता, कोई भी आप टॉप ले सकते हो, प्लस साइज में, स्मॉल साइज में, दोनों ही रेंज में आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ड्रेसेस में भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं, बट हर एक पीस सिंगल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी का साइज पसंद आ रहा है तो किसी का कलर पसंद आ रहा है। अगर आपको साइज फिट आ रहा है, कलर आपको समझ आ रहा है, तो ये आप वो ड्रेस ले पाओगे, अदरवाइज फिर आपको कुछ और नया ट्राई करना पड़ेगा। बाकी देखिए, इस तरीके के ऑप्शन तो आपको जगह जगह मिल जाएंगे, बस लोकेशन की बात होती है कि सामने वाले को लोकेशन पता होनी चाहिए। शॉप नंबर 137 एक्सपोर्ट लेन में सबसे लास्ट शॉप पड़ती है, 1000 रुपीज की रेंज में। इस वाली शॉप पे भी काफी अच्छी ड्रेसेस आई थी। अगर मैं इनकी हायर साइड की बात करूँ तो इनके पास 3000 तक की ड्रेसेस थी, जो की काफी ज्यादा अच्छी थी। और ये सामने जो आप शॉर्ट्स देख रहे हो ना, ये सब 700-800 रुपीज की रेंज में है। बाकी तो देखिए, आपको शॉर्ट्स वगैरह के कॉम्बो मिल जाएंगे, नॉर्मल कोट सेट मिल जाएंगे। कोट सेट में भी बहुत ऑप्शन थे, 1500 की रेंज में भी काफी अच्छे आइटम थे। साटन की जो शर्ट थी, पार्टी वेयर शर्ट भी आपको साटन में मिल जाएंगी, प्लेन चाहिए प्लेन मिल जाएगी। और ड्रेसेस तो यहाँ पे काफी अच्छी आई थी, इस तरीके की जो जारा की डुप्लीकेट थी ना, वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगी 1000 रुपीज की रेंज में। तो 1000 रुपए का अगर आपका बजट है, आपको कुछ बढ़िया ट्राई करना, कलर आपको अट्रैक्टिव चाहिए, तो आप जरूर एक बार ये वाली शॉप ट्राई करें। और सबसे इजी है यहाँ तक पहुंचना, एक्सपोर्ट लेन में सबसे लास्ट शॉप है साउथ स्क्वायर की तरफ। अगर आपको ऐसे फैब्रिक में कुछ चाहिए तो ये 1600 रुपीज का आपको पूरा पेयर मिल जाएगा। सब पे कहीं ना कहीं चिट लगी हुई है प्राइस की। ऊपर वाली ड्रेसेस सब 1500 की थी, नीचे वाली जो है ये 1200 रुपीज की रेंज में है, और ये वाली आपको पड़ेंगी 1000 रुपीज की रेंज में। एक्सपोर्ट लेन में आपको व्हाइट शर्ट में भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे अंडर 150-200 रुपीज। जब आप ज्यादा पीस लेते हो तो और ज्यादा आपको मार्जिन मिल जाते हैं, बार्गेनिंग करते हो तो प्रॉफिट आपको मिल जाता है, कि जो चीज आप 100-200 रुपए में ले रहे थे, वही आप दो चीजें ले रहे हो तो वो आपको 150-120 रुपीज में ये लोग दे देते हैं। इस वाली शॉप पे काफी बढ़िया आपको डेनिम का कलेक्शन मिलेगा। शॉप नंबर 112 है, ये एक्सपोर्ट लेन में पड़ती है। 200 रुपीज की रेंज में यहाँ पे डेनिम की स्कर्ट वगैरह रहती है। 300-400 रुपीज की रेंज में जीन्स रहते हैं। इस वाली शॉप पे जो जीन्स होते हैं वो थोड़ी सी महंगी होती है, बट इनके डिजाइन, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। शॉर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, 250 रुपीज की रेंज में है। ये स्टैंडर्ड प्राइस है मार्केट का, कहीं कहीं पे आपको 200 रुपए में भी मिल जाएंगे। डांगरी वही 300-350-400 रुपए की रेंज में होते हैं, डिपेंड करता है डिजाइन पे और लेंथ पे, कि आप किस लेंथ की डांगरी ले रहे हो। फुल लेंथ की अगर ले रहे हो तो वही आपको 500-600 रुपीज में पड़ेंगी। 300-350 रुपए में आपको जीन्स पड़ जाती है, चाहे फिर वो आप प्लेन लो, रिप्ड लो। और सैटरडे संडे को ये लोग अवॉइड करते हैं चेंज करना, इनकेस आपने कोई पीस लिया है वो आपको फिट नहीं बैठा है, या फिर आपको लगता है कि आपको दूसरा पीस लेना, उसको चेंज कराना है, तो सैटरडे संडे ना जाए, ये लोग नहीं करेंगे चेंज। आप बहुत कहोगे ना तो मे बी ये लोग मान जाए। ये वाली जैकेट मुझे बहुत पसंद आई थी, 350 रुपीज की थी ये आफ्टर बार्गेनिंग, नहीं तो भैया ने 500 रुपीज इसका प्राइस बोला था। ग्रे, ब्लैक, ब्लू शेड में आपको जीन्स मिल जाएंगी। जीन्स में भी बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स थे, तो आप एक काफी अच्छी स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हो जीन्स की। अगर आपको डेनिम में बहुत सारी शॉपिंग करनी है तो आपके लिए बहुत सारी शॉप्स हैं सरोज नगर में, जहां से आप 200 से लेके 350 रुपीज की रेंज में डेनिम का कलेक्शन ले सकते हो। ब्लेजर वगैरह तो बहुत सारी शॉप पे आपने पहले भी देखे हैं, अब भी आज की वीडियो में भी दिखा रही हूँ। जो प्राइस है वो इनका वही 350 रुपीज की रेंज में रहता। काफी अच्छे ब्लेजर होते हैं, बहुत सारे लोग 3000-3000 रुपए ब्लेजर्स पे नहीं स्पेंड करना चाहते, तो उनके लिए सरोज नगर परफेक्ट प्लेस है। अपोजिट दिनेश ट्रेडर के ये वाली शॉप पड़ेगी, काफी सही शॉप थी। 250 रुपीज की रेंज में चेक की शर्ट थी, प्लेन शर्ट थी 250 रुपीज की रेंज में। टी शर्ट थे, और बताओ यार क्या चाहिए, बहुत सारे लोगों को टी शर्ट बहुत पसंद है, और स्पेशली बहुत लोग तो यहाँ से टी शर्ट की शॉपिंग करने आते हैं। तो अगर आपका बजट है 200-250 रुपए का और आपको चाहिए ओवर साइज टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट या फिर क्रॉप टी शर्ट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन कलर थे, एक से बढ़ के एक टाई डाई कलर था, नॉर्मल जो आपके सॉलिड कलर होते हैं विद क्यूट प्रिंट, आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, कुछ पीछे का जो सेक्शन था वो 350 रुपीज का था, उसका रीजन ये था कि उसका जो स्टफ था ना 200 वाले से थोड़ा सा ज्यादा था। अच्छा, GSM जो होता है ना, GSM, उसके ऊपर भी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है, तो ये वाली शर्ट थोड़ी सी महंगी थी। बट डोंट वरी, सरोज नगर में आप लोगों के लिए बहुत सारी शॉप ऐसी जिस पे आप 200-250 रुपए की शर्ट टी शर्ट मिल जाएंगी, तो आप ये टेंशन में मत आना कि यार 350-300 रुपए की तो बहुत महंगी है, इससे अच्छा तो हम यहीं से ले लें। ऐसा नहीं है, 200 वाली भी टी शर्ट और 250 वाली भी, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लेनी है। सामने जो कैप्री आपको नजर आ रही है सब 350 रुपीज की रेंज में है। आप इनको बाहर भी पहन
के जा सकते हो, आउटिंग पे जा रहे हो आउटिंग पे पहन सकते हो, जॉगिंग पे पहन सकते हो और नॉर्मली घर पे तो पहन के रह ही सकते हो। 300 रुपीज इनका प्राइस था, नंबर ऑफ कलर थे, साइज इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो ऐसी ऐसी चीजें होती है ना उसमें तो कलर मिल ही जाते हैं। टी शर्ट्स में भी बहुत अच्छे ऑप्शन आए हुए हैं। कलेक्शन आप देखोगे ना हर एक शॉप पे इतना ज्यादा कलेक्शन था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लूं और क्या छोड़ूं। वैसा ही हाल कुछ इन कैप्रियो का था, मुझे काफी सही लगी, प्राइस भी इनका काफी अफोर्डेबल था। वैसे तो सरोज नगर में सारी ही चीजें बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाते, फिर चाहे वो जोगर्स हो या कैप्रियो। शॉप नंबर 136 के बाहर 100 रुपीज की सेल थी जिसमें ड्रेसेस मिल रही थी। कुछ कुछ ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, एक ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही थी, धुलने के बाद तो बहुत सही हो जाती। तो अगर किसी को ड्रेसेस भी चाहिए तो आप इस तरीके की रिंग एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या पता है लकवाइज आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए। अब मिनी स्कर्ट में ही देख लो कितने सारे ऑप्शंस हैं, नॉर्मल टॉप भी काफी अच्छे खासे मिल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सरोज नगर में चीजें अच्छी नहीं मिलती हैं, पॉइंट ये है कि आपको क्या एग्जैक्ट लोकेशन पता है, आपको पता है जहां से आपको चीजें लेनी है वो आपको कहां पे मिलेंगी, वो कौन सी लेन है, किस लेन में आप कैसे पहुंचे। इन सब जानकारियों को देने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाती हूं जिसमें हम डायरेक्शंस के ऊपर बात करते हैं, कैसे पहुंचा जाए, कहां से क्या ले और किस बजट में ले, सारे टॉपिक डिस्कस होते हैं। तो जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारी न्यू अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अब बात बहुत हो गई, अब बात करते हैं टी शर्ट्स के प्राइस की। ये जो टी शर्ट थी 250 रुपीज की रेंज में थी, ओवर साइज से लेके क्रॉप टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगे, टॉप वगैरह वही 150-200 रुपीज की रेंज में थे जिसमें आपको काफी अच्छी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी शॉप ऐसी हैं जिन पे आपको काफी अच्छा विंटर का कलेक्शन मिल जाएगा 250-300 रुपीज की रेंज में। इस टाइम पे समर में विंटर का कलेक्शन मिलना कोई वरदान से कम नहीं है और आप लोगों के लिए मैं सारा वही कलेक्शन ला रही हूं जो आपकी आंखें ढूंढ रही थी। जैसे बेल बॉटम्स के बारे में लोग बात कर रहे थे, टी शर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, डेनिम्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लोगों को मैं सुनती हूँ, समझती हूँ और ध्यान भी रखती हूँ किसने क्या बोला था। इसीलिए जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ, कवर करती हूँ, तो मैं सारी चीजों को देख के फिर एक वीडियो ऐसी बनाती हूँ ताकि जिन जिन लोगों को वेट था मेरी वीडियो का उन लोगों को ये रहे कि हाँ अच्छा है हमने बोला था और चीजें दिखाई, कोई डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अभी देखो जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि बेल बॉटम 200 रुपीज की है, तो वो कभी भी मार्केट जाएंगे ना वो 200 रुपए से ज्यादा देंगे ही नहीं। मे बी कहीं कहीं 250 में आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाए बट नॉट मोर देन 250। 200 रुपीज की रेंज में आपको प्रिंटेड से लेकर नॉर्मल जो आपकी जॉर्जेट की शर्ट रहती है वो आपको मिल जाएंगी। शॉप नंबर 108 पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन था टॉप का और विंटर की जो आपके स्वेटर्स रहते हैं उनका। जो टॉप था ना ये व्हाइट वाला मुझे बहुत पसंद आया भैया, 300 रुपीज का बोला था। साथ ही में इनके पास ना वैसे जो नॉर्मल टॉप रहते हैं पतले वाले वो भी थे और विंटर का कलेक्शन आप देख ही रहे हो कितना अच्छा है 250 रुपीज की रेंज में। ये वाली शॉप भी सब्जी मंडी वाली लाइन में थी और सब्जी मंडी वाली लाइन ना सरोज नगर के सबसे पास वाली लेन है, एक्सपोर्ट लेन, सब्जी मंडी वाली लाइन और ओम ऑप्टिकल, ये तो तीनों ही लाइन गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास पड़ती है। सामने गेट नंबर 3 के जो बिल्कुल सामने है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं वो है सब्जी मंडी वाला ही लाइन, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या है, गेट नंबर 3 से एंट्री लोगे फूड कॉर्नर के राइट में मुड़ोगे ना तो जो फर्स्ट रो आएगी वो एक्सपोर्ट लेन है। शॉप नंबर 101 के बाहर ना एक स्टॉल लगी रहती है जिसपे आपको 50 रुपीज का इयररिंग्स का कलेक्शन मिलता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा इस तरीके का कलेक्शन, बीड्स वाला कलेक्शन जो कि आजकल यंगस्टर्स को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि लोग 300-300 रुपए में ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन चीजें मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर एक ऑप्शन आपको सरोज नगर में 50 रुपीज में मिल रहा है। तो अगर आपको भी पसंद है इस तरीके की हेयरिंग्स तो एक बार जरूर सरोज नगर आओ, और बिल्कुल गेट नंबर 3 के सामने ही है, आपको ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और इतने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप बीड्स इयररिंग लवर हो तो। और बहुत सारे लोगों को वुडन के इयररिंग्स भी बहुत पसंद है, तो वो भी शॉप नंबर 101 के जस्ट नीचे ही एक भैया बैठे रहते हैं जो 50 रुपीज का कलेक्शन रखते हैं। तो आई होप आपको इयररिंग्स पसंद आए होंगे। HDFC जो बैंक का ATM है ना उसके जस्ट बगल में ये वाली शॉप थी, इस पे बोर्ड नहीं लगा था इसलिए मैं शॉप नंबर आपको बता नहीं पाऊंगी, बट हिंट दे रही हूँ HDFC बैंक था जो ATM था। इसका कलेक्शन मुझे बहुत सही लगा, ब्लैक में बहुत ऑप्शन थे, व्हाइट में बहुत अच्छे ऑप्शन थे और बहुत सारे लोग ब्लैक व्हाइट लवर होते हैं। तो अगर आप भी अपने लिए बढ़िया ट्रेंडी कुछ डिफरेंट टी शर्ट देख रहे हो तो आप इस वाली लाइन में आ सकते हो। इनके पास टाई डाई में भी ऑप्शन थे, नॉर्मल प्रिंटेड में थे। तो अभी क्या होता है ना समर में
में जो चीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है सरोज नगर में वो है टी-शर्ट। टी-शर्ट्स में आपको बहुत अच्छा ऑप्शंस, बहुत अच्छी वैरायटीयां मिल जाती है और वो भी 200 रुपए की रेंज में। बोर्ड आपने देख लिया, 200 रुपीज इनका प्राइस था, काफी अच्छा कलेक्शन था। नॉर्मल टी-शर्ट से लेके ओवरसाइज टी-शर्ट आपको आराम से यहाँ मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि अभी मार्केट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी 2-4 दिन और निकलने दो, थोड़ी धूप निकलेगी, पानी सूखेगा, आपको इजिली कनेक्टिविटी की फैसिलिटी भी मिल पाएगी, भीड़ भाड़ से बच पाओगे और अच्छी शॉपिंग कर पाओगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।